भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती? एक नदी को केवल प्राकृतिक जल की धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नदी झीलों, झरनों या बर्फ के ढके क्षेत्रों में बनती है। कई छोटे मीठे पानी के झरने एक साथ मिलकर एक नदी बनाते हैं जो समुद्र की ओर बहती है। भारत में सभी नदियाँ पूर्व या पश्चिम में समुद्र में जाकर मिलती है, लेकिन भारत में एक नदी ऐसी भी है जो कभी किसी समुद्र से नहीं मिलती। क्या यह संभव है? इतना पानी ले जाने वाली नदी अगर समुद्र तक नहीं पहुंचती तो इतना पानी कहां जाता है? लूदी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला के नागा पर्वत में पर्वत से उद्गमित यह नदी न तो समुद्र में मिलती है और न ही किसी नदी में। नदी अजमेर जिले में से होकर बहती है। तो गाइस, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।